नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हमून लामा, मेरे सहयोगी हिमांशु लामा के साथ हम मौजूद आज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हिसार के सामने। यहाँ सुबह दूषण चौटाला 11 बजे पहुँचे थे हेलीकॉप्टर से। पहले दिखाना चाहूँगा किसान, देख लीजिए सुबह 6 बजे से यहाँ किसान डटे हुए हैं और महिलाएं, युवा किसान, टीकरी बॉर्डर से लोग यहाँ पहुँचे, सिंगू बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से, जिस लोगों को पता चला यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ सुबह से ही जितने किसान हैं उससे ज़्यादा यहाँ पुलिस प्रशासन भी रुका हुआ है और महिला पुलिस पूरी सेफ्टी के साथ, आप देख रहे हैं ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ किसान नेता सुबह से ही बने हुए हैं और सभी किसान नेताओं से मैंने आपको बातचीत करवाई है। दूषण चौटाला एयरपोर्ट के अंदर रहे हैं ढाई घंटे के आसपास। आप बता रहे हैं कि दूषण चौटाला जा चुके हैं, अभी पूरी तसल्ली नहीं है, पूरी रहा है। धीरे धीरे यहाँ से पुलिस प्रशासन अपनी गाड़ियाँ वापस कर रहे हैं तो लगता है दूषण चौटाला यहाँ से जा चुके हैं। पुलिस प्रशासन भी दिखाना चाहूँगा, तस्वीरों में देख रहे हैं आप, ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है दूषण चौटाला। यहाँ पहुँचने वाले थे सुबह 11 बजे, लेकिन किसानों का विरोध, किसानों का गुस्से के सामने एयरपोर्ट पे हेलीकॉप्टर तो उतर गया, परंतु दूषण चौटाला गेट के बाहर नहीं आ सके। यहाँ सैकड़ों की तादाद में, हजारों की संख्या में किसान ट्रकों पे खड़े हुए हैं, देख लीजिए। और ये सिरसा और दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग का बिल्कुल जाम है। सुबह से ही यहाँ आवागमन गाड़ियों का, पैदल यात्रियों का बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। और हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बिल्कुल गेट के सामने महिलाएं और किसान रुके हुए हैं और वहाँ वाटर कैनन की मशीनें लगाई गई हैं, अगर कोई ऐसी घटना होती है तो बौछारों से किसानों को हटाया जा सके। और यहाँ पे कुछ देर पहले तक नेट भी शुरू नहीं था, अब यह नेट शुरू हुआ है। मेरे साथ किसान नेता बने हुए हैं नरवाल जी, तो इनसे जानते हैं जी क्या कहेंगे। सुबह से किसान डटे हुए हैं, तो जिस तरीके से यहाँ आपको ऐसे लग रहा था कि इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे, देखिए ये मात्र 12 घंटे की तैयारी थी किसानों की। 12 घंटे पहले किसानों की ये जानकारी मिली कि यहाँ पे दुष्यंत चौटाला जी आएंगे, और जी तो मैं मन ही नहीं करता कहने का, लेकिन ठीक है, फिर भी दुष्यंत चौटाला आएंगे। उसके बाद सभी गांव-गांव में घूम के यहाँ के आसपास के लोगों ने जानकारी दी, और आप देखिए हमारी उम्मीद से ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। वो तो गांव-गांव से अब भी फोन आ रहे हैं कि ज़रूरत हो तो हम अब भी वहाँ आने को ले तैयार हैं, लेकिन धूम दबा के दुष्यंत चौटाला भी एयरपोर्ट के अंदर बैठा है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। दुष्यंत चौटाला सांस निकल रहा है अपने प्रोग्राम करने की। जी क्या लग रहा है, अब 11 बजे के प्रोग्राम, हिसार में 5 प्रोग्राम होने थे दूषण चौटाला के, लगभग 3:30 बजने वाले हैं, अब भी लग रहा है क्या दूषण चौटाला गेट से बाहर आ पाएंगे? देखिए उनका स्वागत करने के लिए किसान तो तैयार हैं, अगर दूषण चौटाला आना चाहे तो हम तो चाहते हैं दूषण चौटाला आए, हमारी भी समस्या सुने, सुनने में आया था दूषण चौटाला या हिसार की जनता की समस्या सुनने आ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं खुद दूषण चौटाला आए और हमारी भी समस्या सुने। इन किसान 4 महीने से बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, आज वो हिसार की जनता इकट्ठा हुई है, वो हिसार की जनता, जिस हिसार की जनता ने अपना वोट दे के सबसे पहले दूषण चौटाला को लोकसभा पहुँचाने का काम किया था, आज वो हिसार की जनता अपनी समस्या सुनाना चाहती है, तो आए, हम तो स्वागत करते हैं दूषण चौटाला का। लेकिन दूषण चौटाला क्या है, जो समाज का ताना बना, समाज का भाईचारा, समाज के जो किसानों के जो बच्चे हैं उनके सामने किसानों के जवान इकट्ठा सामने खड़े कर दिए, तो आपस में टकराव की स्थिति पैदा करने का काम दूषण चौटाला भी कर रहे हैं। तो दूषण चौटाला का जो समाधान के ऊपर बात होनी चाहिए, जो किसानों की सचमुच समस्या है उसके ऊपर बात होनी चाहिए, उसके ऊपर ध्यान नहीं है, बल्कि वो अपने आका, वो अपने बड़े नेता मोदी जी, बड़े नेता अमित शाह जी को, खट्टर साहब को ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी के प्रोग्राम रुक जाएंगे, दूषण चौटाला के प्रोग्राम नहीं रुकेंगे, दूषण चौटाला प्रोग्राम करेगा। लेकिन उस कौम के गद्दार को, किसानों के गद्दार को हम यहाँ पे नहीं आने देंगे, और पूरा शांति प्रिय तरीके से विरोध प्रदर्शन चला हुआ जैसा आप अपने कैमरे से दिखा रहे हैं। जी अच्छा नरवाल जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ यह नंबरदार जी बने हुए सर, आप नारनौल से पहुँचे हैं,
किसान नेता हैं आप भी? लाडवाई, हाँ लाडवा, बिल्कुल हिसार से बिल्कुल नजदीक आपका जी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है जिस तरीके से जो नेता उतारू हैं? हाँ हम प्रोग्राम करेंगे और जबरदस्ती करेंगे तो ऐसे में बहुत बड़ी घटना भी घट सकती है, काफी मान हानि, काफी ट्रेजेडी हो सकती है अगर आमना सामना हो जाता है तो। क्या इस तरीके से अभी नेताओं को किसानों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से प्रोग्राम करें, क्या कहेंगे अभी फिलहाल? वो हमारे जमींदार में किसान लोग क्या करे नी बेला छेड़े को कहने के लिए, इससे बड़ी छेड़खानी और क्या होगी? ये 26